पलवल के गांव जलाका में रविवार की रात को 21 वर्षीय युवक को घर से बुलाकर चार युवकों ने मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवक गांव में ही हेयर ड्रेसर की दुकान का काम करता है, जिसे उसी के दोस्त रात के समय घर से यह कहकर अपने साथ ले गए कि सुबह उनका नौकरी का इंटरव्यू है और उन्हें कटिंग करानी है। मृतक युवक ने मरने से पहले लहूलुहान अवस्था में तीन युवकों के नाम बता दिए। चांदहाट थाना पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर तीन नामजद और एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के द्वारा तीन नामजद व एक अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों के हवाले कर दिया गया है। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उनके ठिकानों पर दबिश दे रही है, जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 10 बजे जी योगेश और लोकेश घर आए जी। ये कहने लगे कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मेरे बाल कटवाने हैं। ऐसे ले गए रात के जी 10 बजे यहाँ से घर से, और फिर रास्ते में मारपीट की और बम्बे पे ले जाकर फेंक दिया नहर पे। आज सुबह जो है सूचना मिली थी रिंकू और टिंकू, जो श्याम सिंह का बेटा है, उम्र करीब इसकी 22 साल है। ये सुबह इसको लेकर के नहीं सिविल हॉस्पिटल पहुँचे थे, तो सिविल हॉस्पिटल से इनको रेफ़र कर दिया था, जो रास्ते से वापस लाए, फिर इनको ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। जिस इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में पुलिस वहाँ गई थी, तो इसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट दी, इसके दोनों पैर तोड़े हैं और इसको काफ़ी चोटें मारी हैं। कुछ लड़के गाँव के हैं, योगेश और लोकेश, जो इसको पहले गाड़ी में बिठा करके लाए थे किसी बहाने से, और फिर लड़का रमन नाम का लड़का है जो अमरपुर का रहने वाला है। इन्होंने एक साथी और बता रहे हैं, उसको अननोन है अभी, तो इन्होंने मिलकर के इनके काफ़ी चोटें मारी हैं, जिससे इस लड़के की वहाँ डेथ हो गई। अभी तीन बाई नेम है और एक अननोन है। अभी पोस्टमार्टम हमने करा दिया है, डेड बॉडी वारिसों हैंड ओवर कर दी है, और जल्दी जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे।